बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साबर हसन। उम्मीद करता हूं आप अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। आज सुबह से बारिश हो रही है, हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, सर्दी लौट कर वापस आ गई है, तो ठंडे ठंडे मौसम में हम बनाएंगे गरम गरम पकौड़े। पकौड़े बनाने के लिए हमने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं और किस तरह बनाएंगे, आइए हम आपको दिखाते हैं। परात में हम डालेंगे आलू। आलू हमने धोकर अच्छी तरह साफ़ करने के बाद उनके छिलके उतार कर इस तरह काट लिए हैं। ऊपर डालेंगे पालक। पालक को भी हमने धोकर अच्छी तरह साफ़ करने के बाद काट लिया। ऊपर हम डालेंगे प्याज। प्याज को भी हमने अच्छी तरह साफ करने के बाद काट लिया है। ऊपर डालेंगे बेसन। बेसन को हमने छन्नी से अच्छी तरह छान लिया है। ऊपर डालेंगे सब्ज मिर्च। सब्ज मिर्च को इस तरह हमने काट लिया है। ऊपर डालेंगे साबुत धनिया खुशक। धनिये को हम इस तरह हम हाथ से मसल लेंगे। ऊपर डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। ऊपर डालेंगे नमक। और कॉर्नफ्लावर डालेंगे। कॉर्नफ्लावर होता है मक्की का आटा। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे और गूंदेंगे। सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह गूंद लिया है। मेज़ा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम चूल्हा जलाएंगे और कढ़ाई को रखेंगे चूल्हे पर ऑयल को गर्म होने के लिए। ऑयल को हमने कढ़ाई में डालकर गर्म होने के लिए रख दिया है। जो ही हमारा ऑयल गर्म होगा हम पकौड़े बनाने शुरू कर देंगे। हवा काफ़ी तेज़ है तो हमने चूल्हे को दीवार के साथ लगा कर रखा हुआ है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम पकौड़े बनाने शुरू करेंगे। पकौड़ों की साइज चेंज करेंगे। तो माशाल्लाह ये देखें, ये पकौड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। बहुत ही प्यारा कलर आया है। अब हम इसे प्लेट में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये वाले पकौड़े भी हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें भी बाहर निकाल लेंगे।
तो इसी तरह से हम सारे पकौड़े बना लेंगे। तो माशाल्लाह ये देखें सारे पकौड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। तो अब हम बच्चों से टेस्ट करवाएंगे कि हमारे पकौड़े किस तरह के बने हैं। तो बच्चों खाएं और खाकर बताएं हमारे पकौड़े किस तरह के बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी बेटा देखे आया मजा। अब भी मजा आया। हाँ जी बेटा नहीं बहुत मजा आया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चों ने खाकर बताया हमें पकौड़ों का बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। आप भी घर पर बनाएं, ट्राई करें और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके पकौड़े किस तरह के बने हैं। अगर आपको ये हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्त अहबाब के साथ। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल विलेज फास्ट फूड को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।